अस्सलाम वालेकुम, मैं मीरप सैलून से आज मैं आपके लिए बहुत ज़बरदस्त मास्क लेकर आई हूँ जो और सबके लिए बहुत बेनिफिट में है। यानी जो हमारी अम्मियाँ हैं वो भी लगा सकती हैं, जो ख़वातीन हैं वो भी लगा सकती हैं, और गर्ल्स भी लगा सकती हैं, सबके लिए है ये। वो हम बनाएंगे अलसी के बीज से। अलसी के बीज में क्या है, इसमें वाइटमिन ई है और उसमें ओमेगा थ्री है। ओमेगा थ्री हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। जो हमारे स्किन को प्रोटीन चाहिए होता है, इसके वो उसको प्रोटीन मिलेगा, और ये स्किन को जो है वो नॉर्मल रखता है। जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है उनको नॉर्मल कर देगा, और जिनकी बहुत ज़्यादा ड्राई है तो वो भी नॉर्मल पर आ जाएंगी। ये समझे, आपकी एक तरह का बैलेंसिंग फेस पैक हो जाएगा आपका। अब वो हमने किस तरह से बनाना है, हम अलसी के बीज लेंगे, इसमें पानी डालकर हम भिगो देंगे। जब वो फूल जाएगा तो उसको हम ग्राइंड कर लेंगे। ये देखें, ये अलसी के बीज जो हैं इनको मैं ग्राइंड करने लगी हूँ फेस पैक के लिए। ये अलसी के बीज में जो है ना, मैं 1 चम्मच एलोवेरा जेल ऐड करूँगी। ये देखें, 1 चम्मच एलोवेरा जेल ऐड करके इसको मैं ग्राइंड कर लेती हूँ। अगर आपके पास फ्रेश एलोवेरा जेल हो जाए तो वो ज़्यादा बेस्ट है। मेरे पास इस टाइम नहीं थी तो मैंने मार्केट बेस ही एलोवेरा जेल ले लिया जी। ये देखें, ये फूल गया था और मैंने इसको ग्राइंड कर लिया है। ग्राइंड करने के बाद ये इस पोजिशन पर आ गया है। ये देखें, ये जेल टाइप का बन गया है। अब इसको हम जो है, इसको हम तैयार कैसे करेंगे? इसको हम तैयार करने के लिए एक हमें खाली बाउल चाहिए। हमें चाहिए बेसन, हल्दी, ये वाइट टर्मरिक है, वाइट हल्दी है। ये जिन लोगों को एक्नी है, अगर एक्नी है और वो फेस पैक यूज़ करना चाहते हैं तो उनके लिए हेल्दी बेस्ट हो जाएगी। और हमें चाहिए होगा गुलाब का अर्क। जिनकी बहुत ड्राई स्किन है वो दूध में भी बना सकते हैं। तो अब हम किस तरह से लेंगे, हम लेंगे, ये हमने अलसी का बीज का ले लिया है, इस पेस्ट ले लिया है, और इसके अंदर हम डालेंगे बेसन। बेसन हमारा क्लेंजर है, बहुत ज़बरदस्त क्लेंजर है, जो हमारी स्किन को क्लेंज करता है, हमारे पीएच को बैलेंस करता है, और जो है हमारी स्किन बहुत ही अच्छी फ्लॉलेस सी हो जाती है। अब हम इसमें डालेंगे चौथाई हिस्सा हल्दी का। जो घर की हल्दी है वो पिंच ऑफ डालनी है आपने, क्योंकि उसमें ऑलरेडी कलर्स ऐड होते हैं तो फिर हमारी स्किन के ऊपर वो येलो येलो सा कलर आ जाता है। अब ये हमारी सब चीज़ें हो गई हैं रेडी, इनको हम करेंगे मिक्स। अब ये सब चीज़ें मिक्स करने के लिए हमें थोड़ा सा चाहिए होगा गुलाब का अर्क, और जिन लोगों को दूध सूट करता है वो दूध भी ले सकते हैं। ये एंटी एजिंग के लिए तो बेस्ट है, और जिन लोगों को प्री मच्योर फाइव लाइन्स आ रही हैं उनके लिए भी बहुत बेस्ट है। अमेजिंग रिजल्ट्स हैं इसके। स्किन आपकी ऐसे यंग बेबी स्किन बन जाएगी। जिन लोगों को शौक होता है कि हमारी बेबी स्किन हो तो वो लोग इस मास्क को ज़रूर ट्राई करें। इंशाल्लाह वो मुझे कमेंट्स में बताएंगे कि उनको कितना अच्छा रिजल्ट मिला है इसका। ठहर जी, ये हमारा फेस पैक रेडी है। इसको हम 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि सब चीज़ें आपस में मिक्सअप हो जाएं, और उसके बाद आपने इसको लेना है, अपने फेस के ऊपर अप्लाई कर देना है इस तरह से। अप्लाई करके आपने इसको छोड़ देना है। इसको आपने ज़्यादा ड्राई नहीं होने देना। 10 मिनट के बाद आपने हल्के हाथ से जेंटली मसाज करके रिमूव कर देना है। ये आप रिज़ल्ट देख सकते हैं मेरे हाथों पर। अब आपको मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो उसको लाइक और शेयर कर दिया करें, और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं, अच्छी लग रही हैं। मैं इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफिज़।